हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे 9/11 की। आज जो तारीख है 9/11, आप सभी को 9/11 से क्या याद आता है? अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर लादेन, ये तीनों ही चीज़ एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये तीनों ही चीज़ 9/11 से सभी को याद है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड को ये सब 9/11 से सिर्फ यही याद आता है, पर हिंदुस्तानियों को 9/11 से एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई है। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद का ज़ीरो पे जो बोलना था शिकागो में, वो इसी 9/11 के दिन हुआ था। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद महान व्यक्ति थे और उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था और उन्होंने शून्य पे दिलचस्प कहानी सुनाई थी। शून्य पे बोले थे वो अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि आप जानते हैं तो हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, आधुनिक नाम कोलकाता, में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर वह जहाज का टिकट करवाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म परिषद में पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। किसी प्रोफेसर की पहचान से अल्प समय के लिए स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। अपने भाषण के प्रारंभ में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा तो सभा के लोगों के द्वारा करतल ध्वनि से पूरा सदन गूंज उठा। उनका भाषण सुनकर विद्वान चकित हो गए। इस सब से अभिभूत होकर अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को मुंबई से अपनी विदेश यात्रा शुरू की। मुंबई से वह जापान पहुंचे। जापान में नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, कोयोटो और टोक्यो का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद वह चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। शिकागो में दिए गए भाषण के उनके कुछ अंश हैं जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने में निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों के सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माताओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों व मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने जिन्होंने आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिनसे संसार को सार्वभौम स्वीकृत होने की ही नहीं शिक्षा दी जाती है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल हृदय में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि
समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अविष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचारों से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जाति के अविष्ट अंश को शरण दी है और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्त्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। ये यथा माँ प्रपद्यते तात्स्थैव भजाम्यहम् मम वत्मानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः, अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है। वे उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है। संभव सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये दानवी शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा में सम्मान में जो घटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मात्मा का तलवार लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निदान सिद्ध हो। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आप सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगी और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आज 9 नवंबर है तो 9/11 से आप सिर्फ अमेरिका को न याद रखें, अपने हिंदुस्तान को और उसकी संस्कृति को और उनके जो लोग हैं जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया है और आज जो भारत हम देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, वो जिन लोगों ने हमें दिया है हम उन्हें याद रखें। कम से कम उनकी तारीखों पे तो हम उन्हें याद रखें। 9/11 से आपको सिर्फ अमेरिका नहीं याद रहना चाहिए, आपको हिंदुस्तान भी याद रहना चाहिए, आपको स्वामी विवेकानंद भी याद रहना चाहिए और शून्य पे जो उन्होंने शिकागो में भाषण बोला आपको वो भी याद होना चाहिए। कम से कम सभी हिंदुस्तानियों को तो ये याद ही रहना चाहिए। थैंक यू गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।